नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित शो खबर में दम है। और आज हम आपको दिखाएंगे पेपर लीक के सबसे बड़े गुनहगार का काला साम्राज्य, उसकी गैंग और पेपर लीक के प्लानिंग की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो वहीं अब आईपीएल की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, लेकिन आरसीए का अध्यक्ष कौन होगा इसकी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। तो अब राज्य सरकार जयपुर में आईपीएल मुकाबले का आयोजन कराएगी। बीसीसीआई ने खेल परिषद को इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आरसीए का नया बॉस कौन होगा। क्रिकेट की सियासत का बॉस कौन? किस राजकुमार के सिर सजेगा ताज? कुर्सी खाली, आखिर किसकी दावेदारी? जी हाँ, पूर्व सीएम अशोक गहलोत की बेटी वैभव गहलोत के इस्तीफे के बाद से ही आरसीए के अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली है, लेकिन आरसीए की बाकी पूरी कार्यकारिणी नए अध्यक्ष की ताजपोशी की कवायद में जुटी। वैसे तो अध्यक्ष के लिए चुनाव कराने होंगे, लेकिन इससे पहले एक कार्यवाहक अध्यक्ष लगाकर आरसीए का कामकाज संचालित किया जा सकता है, ताकि स्टेडियम को लेकर एमओयू हो सके और आईपीएल मैचों की राह भी आसान हो सके। अध्यक्ष का इस्तीफा होने के बाद अध्यक्ष का पद खाली हो गया, और खाली होने की स्थिति में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का संविधान और स्पोर्ट्स एक्ट जो कहता है उस हिसाब से सब मिलके सब लोग निर्णय लेंगे, क्योंकि ये निर्णय कोई एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, तो सामूहिक निर्णय होगा, और उस सामूहिक निर्णय में जो भी फैसला लिया जाएगा वो कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। अध्यक्ष पद की रेस में राजेंद्र राठौर के बेटे पराक्रम सिंह की दावेदारी चर्चा में है, लेकिन मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह को भी बड़ा दावेदार माना जा रहा है। इन सब के बीच में उद्योगपति मुकेश शाह का भी नाम रेस में बना हुआ। हालांकि जिला संघ और राजस्थान क्रिकेट संघ के पदाधिकारी अभी किसी का भी नाम लेने से बचते नजर आ रहे। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस्तीफा देने के बाद राजस्थान के अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो चुकी है। 33 जिला संघ के सचिव और 99 मेंबर मिलके इस बात का निर्णय करेंगे, जो अच्छा व्यक्ति हो 99 लोग उसको हम अध्यक्ष के लिए आगे करेंगे। लेकिन इन सब के बीच आरसीए के भवनों में वास्तु दोष को लेकर भी चर्चा है। वैभव गहलोत ने आरसीए में आते ही वास्तु के कारण से ही अपना नया कार्यालय बनाया था। आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट एकेडमी के अंदर कभी विवाद थमे ही नहीं थे। जानकारों की अगर बात माने, जब नॉर्थ विंग के अंदर आरसीए का कार्यालय था, तब भी ललित मोदी और सीपी जोशी की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणियों में कई विवाद देखने को मिले थे। कभी खेल परिषद ने आरसीए पर ताला जड़ दिया, तो कभी आपसी विवाद के अंदर ही आरसीए कैद होकर रह गया था। आरसीए के पूर्व सचिव राजेंद्र सिंह नांदू बताते हैं कि आरसीए के नॉर्थ ब्लॉक में एक कुर्सी हमेशा खाली रही। ललित मोदी और सीपी जोशी कभी कुर्सी पर ही नहीं बैठे। नॉर्थ ब्लॉक वाले मुख्य प्रशासनिक भवन में वास्तु के दोष है। ये राजस्थान क्रिकेट संघ के सभी पदाधिकारियों के बीच में एक चर्चा का विषय है। जब से नॉर्थ ब्लॉक बना, तब से लेकर जो भी पदाधिकारी वहाँ पर बैठा वो ज्यादा कार्य कर नहीं पाया सही ढंग से। कई बार एडो कमेटी बन गई, वहाँ पर जो भी बैठे, चाहे वो संजय दीक्षित जी बैठे हो, ललित मोदी और सीपी जोशी जी कभी चैम्बर में बैठते ही नहीं थे, इसलिए उनके कार्यकाल थोड़े लंबे चल गए। जिस इमारत में अपन अभी फिलहाल में खड़े हुए हैं, इस इमारत को अगर मेरे द्वारा देखा गया तो उसमें लगा कि ये कहीं ना कहीं इसका कंस्ट्रक्शन नारमुखी शेप में है। नारमुखी शेप का मतलब होता है कि जब कोई बिल्डिंग आगे से चौड़ी होती है और पीछे से सकड़ी होती है। दूसरी बात, ये जहां पर सिचुएटेड है वो एसएमएस स्टेडियम के नॉर्थ दिशा में है, और वहीं दूसरी ओर नॉर्थ वाली जगह से एक गेट बना हुआ है जो अंदर प्रवेश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस बिल्डिंग पर टी दिखलाई पड़ रहा है। और ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि जिन बिल्डिंगों पर टी बनता है
उसमें कहीं ना कहीं विवाद पैदा होते हैं, कोर्ट केस होते हैं या कोई अन्य प्रकार की आर्थिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। वहीं आईपीएल मुकाबले की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। 24 मार्च को पहला मैच होगा और ऐसे में तैयारियों को लेकर बेहद ही कम वक्त बचा, जिसको देखते हुए स्टेडियम के ग्राउंड की मेंटेनेंस की जा रही। खेल परिषद ने इस ग्राउंड को तैयार करने की कवायद के साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसी को पत्र लिखकर तैयार रहने के लिए कहा। जयपुर में 5 मैचों के आयोजन होने वाले हैं। आगामी आईपीएल मैचों को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है, जिसके जिम्मे जो काम हो रहे हैं वो सब अपने स्तर पर लगे हुए हैं और अच्छे मैच होंगे। राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों को निराश नहीं होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक ने राजस्थान का तख्ता पलट दिया था और जिसने पूरी सरकार ही बदल दी थी, उस पेपर लीक का माफिया मौज काट रहा है। उसने अपनी काली कमाई से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है और अब एसओजी के पहुंचने से पहले ही दुबई में फरारी काट रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक के मास्टरमाइंड का काला साम्राज्य। काली कमाई से खरीदा फार्म हाउस और फ्लैट, पत्नी और भाई भी कर रहे हैं सरकारी नौकरी। खुद सरगना दुबई में काट रहा है फरारी। प्रदेश के पेपर लीक कांड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकला है राजस्थान के वन विभाग में काम करने वाला यूनिक बांबू। यूनिक बांबू वो आरोपी है जिसने कई पेपर लीक करके अपने परिवार को भी अलग अलग भर्तियों के अंदर शामिल कराया। यूनिक बांबू ने अपनी पत्नी को शामिल करवाया शिक्षिका के पद पर और अपने भाई को राजस्थान पुलिस में एसआई बनाया। अब यूनिक बांबू जो कि दुम दबा करके दुबई भाग गया है, उसकी तलाश में एसओजी की टीमें लगातार छापे मार रही है। इतना ही नहीं, यूनिक अपने परिवार और रिश्तेदारों में भी कई लोगों की नौकरी लगवा चुका है। खुद भी नकल गेहूं से सेटिंग के आधार पर ही नौकरी पर लगा था, जिसके बाद से एसओजी अब यूनिक भांबू का पूरा रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। मास्टरमाइंड का असली नाम यूनिक भांबू, कुछ लोग इसे पंकज चौधरी के नाम से जानते हैं। यूनिक चुरू की पुनिया कॉलोनी में रहता है, झुंझुनू में मंडावा में धीरासर गांव का परिवार। पिता जगदीश चंद शिक्षा विभाग से रिटायर्ड, अगस्त 2023 को बतौर फॉरेस्टर पोस्टिंग। अलवर में यूनिक की ट्रेनिंग भी चल रही थी। एसओजी के सूत्रों ने इस बात का दावा किया है कि राजस्थान के अंदर कई पेपर लीक कांडों के अंदर यूनिक भांबू का हाथ हो सकता है। उसकी पत्नी और उसके भाई को भी उसने ठीक इसी तरीके से पेपर लीक कराते हुए सरकारी नौकरियों में दाखिला दिलाया है। यूनिक भांबू चुरू और अलवर के अलावा ज्यादातर समय जयपुर में ही रहता था। जयपुर में भी उसके ठिकाने के बारे में किसी को पता नहीं था। वो सबसे पहले आर्मी भर्ती के दौरान नकल और पेपर लीक गिरोह से जुड़ा था। नकल गिरोह से जुड़ने के बाद यूनिक भांबू पेपर खरीद कर लोगों को भी बेचने लग गया था। चूरू में एक बड़ा फार्म हाउस खरीदा, जयपुर में काली कमाई से फ्लैट खरीदा। यूनिक के कई बड़े राजनेताओं से संपर्क थे। राजेंद्र यादव शिवरतन के गिरोह से जुड़ा, पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा से दोस्ती, मास्टरमाइंड गुरु जगदीश बिश्नोई से भी जुड़ा। जेईएन पेपर लीक मामले में एसओजी ने गुरुवार को हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव के जयपुर और दौसा और भरतपुर में करीब 12 ठिकानों पर तबिश दी थी, जिसमें आंसर शीट पेपर के अलावा 20 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद हुए। हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव पर 50,000 का इनाम था और दोनों को नेपाल बॉर्डर से दबोचा गया था। एक तो जो वांछित हमारा जेईएन पेपर भर्ती में था जगदीश बिश्नोई, इसको अरेस्ट किया है। साथ में जो दो पहले से अरेस्टेड है राजेंद्र यादव टीचर और जो मीना है वो उसको हर्षवर्धन मीना, इनके ठिकानों पे आज बहुत सुबह सुबह 12,000 लोकेशंस पे इनसे रिलेटेड हमने सर्च अभियान चलाया था। इन सभी ने मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा था। पेपर को खातीपुरा स्कूल से लीक किया गया था, जहां टीचर राजेंद्र ने पेपर लीक किया था। राजेंद्र ने पेपर जगदीश बिश्नोई को दिया, जगदीश ने
हर्षवर्धन मीणा को दिया और मीणा ने दलालों को पेपर 2 करोड़ रुपए में बेचा था। हर्षवर्धन पेपर लीक से अभी तक 30 लोगों को पटवारी भी बना चुका है। सारे जो इम्पोर्टेंट लोग थे जो जेएन पेपर लीक में शामिल है वो हमारे कब्जे में है। एक जो इम्पोर्टेंट लिंक है वो टियर 2 कह सकते हैं, दूसरे दर्जे का, वो जरूर अभी इंडिया छोड़ के भागा है। यूनिक भांबू जो चूरू का रहने वाला है उसकी भी हम लोग दस्तयाबी की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी उसको ही पकड़ने में सफलता मिलेगी। एसओजी चीफ ने जो बताया उसे सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि पेपर लीक के आरोपी हर्षवर्धन पटवारी है जबकि राजेंद्र यादव सरकारी टीचर है। इन दोनों का मुख्य रोल पेपर लीक में सामने आया है, लेकिन इस बार इन माफियाओं को एसओजी ने ढूंढ निकाला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिक भांबू की तलाश में दुबई जाने के लिए पुलिस प्रशासन को और एसओजी को अपने इंतजामों को अंतिम रूप देना है, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से नौकरियां पाई है उन्हें हटाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। क्या राजस्थान में भी यूसीसी लागू होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब बीजेपी के तमाम नेता दमदार अंदाज में देते हैं, लेकिन सवाल इससे आगे का है और इस पर हमारी ये रिपोर्ट है। राजस्थान में यूसीसी पर सवाल, क्या होने वाला है बदलाव? यूसीसी के लिए राजस्थान तैयार? राजस्थान में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर चर्चा तेज हो गई। उत्तराखंड और असम के बाद अगली बारी किस राज्य की होगी, ये सवाल लोगों के लिए दिलचस्प बन गया है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता ये दावा करते रहे हैं कि राज्य में जल्द ही यूसीसी लागू होगा। साथ ही खुद सीएम ने विधानसभा में यूसीसी पेश करने की बात कही थी। ऐसे में यूसीसी पर मरुधरा की जनता क्या सोचती है और जो बात स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कही है, क्या उसके बाद अब कोई भी सवाल बचता है? पहले आप वो सुनिए जो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा था। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू किया। वास्तव में यूसीसी को जब मैं पढ़ता हूँ या देखता हूँ या सुनता हूँ तो मैं लगता है कि इसकी आवश्यकता आज के समय में सामयिक है, क्यों कई दूसरे संप्रदायों के अल्पसंख्यकों के जो कई देश हैं उन देशों में भी आज इस तरह के नियम है, तो भारत में नियम लागू यदि होते हैं तो मैं लगता है कि आम जन के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के हित में होगा। सारे नागरिकों पर समान नियम हो, सब ये नहीं कि हर एक की अपनी पूजा पद्धति होगी। जो मैंने उत्तराखंड को कुछ पढ़ पाया, काफ़ी कुछ इसमें सभी समाजों को, सभी संप्रदायों को इसका लाभ होता है। स्पीकर ने यूसीसी को राजस्थान की जरूरत बताया, साथ ही उनका तर्क भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा बीजेपी के नेता शुरुआत से कहते आए हैं। लेकिन क्या राज्य में यूसीसी लागू हो सकता है, इसके विषय में कानून के जानकार और वकील क्या कहते हैं, अब आप वो भी सुनिए। समस्त देश के नागरिकों पर एक ही कानून लागू होना चाहिए। अलग अलग कानून लागू होने से असंतोष, विभेद, ये सारी बातें आती हैं और इस सभी को एक ही कानून से लागू किया जाना चाहिए। ये कई देशों में सभी धर्मों समुदाय के लिए एकल कानून बनाने का एक विषय है और कई देशों में ये सफलतापूर्ण रहा है, चल भी रहा है, उसी को कोड करते हुए इन लोगों ने ये जो वक्तव्य दिए हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 जो है वो इसको कवर करता है। और भारत में आज़ादी के आज 70 साल से ऊपर का समय गुजर चुका है और अब सब परिपक्व हैं, सब में शिक्षा का भी जागरूकता आई है, तो इस संबंध में अगर यूनियन सिविल कोड लागू होता है भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है और ये ऐसा होना चाहिए कि सबको समान अधिकार और समान कानून के नजरिए से देखा जाना चाहिए। हालांकि यूसीसी को लेकर राजस्थान के मंत्री भी मुखर हैं। सभी की जुबान पर यूसीसी हर हाल में लागू होने की बात भी है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और कन्हैयालाल चौधरी ने तो खुलकर इसकी वकालत भी की थी, साथ ही सभी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर उन्हें बधाई भी दी थी।
सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय था जिसमें भारत की जनता टिकटकी लगाई हुई थी, मोदी जी जब से सरकार आई जिस बिल को जो केंद्र सरकार लाना चाहे सबसे पहले उन्होंने की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पर उत्तराखंड आ गया तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आए। अब आप राजस्थान के लोगों को भी सुनिए, क्या वे यूसीसी के लिए तैयार हैं और क्या वासुदेव देवनानी के बयान से वे सहमत हैं? अच्छी सोच है, पर यह है कि जिससे अल्पसंख्यक जो हमारे भाई बहन हैं जो जातिगत जनसंख्या जिनकी कम है उनके लिए ये सही नहीं, क्योंकि जो उनका अधिकार है, उनके धार्मिक अधिकार है, वो उनसे छिन जाएंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए जिसमें सभी धर्मों के अलग अलग संविधान बने हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी धर्मों के एक साथ एक ही कानून रहना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। यूसीसी से बहुत फायदा आम नागरिक को होगा क्योंकि एक समान नागरिकता हो जाएगी जिसमें विवाह से लेकर भरण पोषण से लेकर सारी चीजें पूरे सभी पंथों के लिए सभी समाज के लिए एक होगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण होना शुरू होगा। यूसीसी पर राजस्थान अब आगे बढ़ेगा जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बीजेपी के तमाम नेता यूसीसी के पक्ष में भी हैं, साथ ही बीजेपी के एजेंडे में हमेशा यूसीसी रहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या राजस्थान देश में यूसीसी लागू करने वाला अगला राज्य होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए खबर में दम है, मैं फिलहाल बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।